नमस्कार, आपको पता तो चले बाराबंकी से इस वर्ष की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, कुर्सी रोड से स्थित उमरा गांव में संपूर्ण फीड मुर्गे दाने की कंपनी में प्राथमिक शोषण करते हुए 8 माह का प्रतिदिन नहीं दिया गया और साथ ही साथ ओवर टाइम का भी नहीं दे रहे 960 घंटों का। यशवीर श्रम परिवर्तन अधिकारी बाराबंकी भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्राथी दिलीप कुमार पुत्र गोपाल प्रसाद निवासी रामनगर तहसील रामनगर जिला बाराबंकी में कामगारों को अच्छा भला चूना लगा दिया गया। 87,552 इलेक्ट्रीशियन दर दर भटक रहा और साथ ही साथ आपको बताते चले, अधिकारी का कहना है ओवर टाइम का भुगतान 2 श्रमिकों को करा दिया गया, इसलिए कंपनी का मालिक का कहना है कि इनको नहीं दिया जाएगा। अब ये मुकदमा दर्ज करने के लिए स्वतंत्र हैं। आइए देखते हैं रमेश चंद्र द्विवेदी की खास रिपोर्ट में। मैं डीएस चैनल से रमेश चंद्र द्विवेदी, जिला ब्यूरो बाराबंकी से। मैं यहाँ बदोसनाए के यहाँ खड़ा हूँ, जो एक किसान पीड़ित है श्रम विभाग से। श्रम विभाग अधिकारी इनको पताल कहते रहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप कुमार है। मैं संपूर्ण फील्ड में काम कर जाइए, बैठ करके बताइए। मेरा नाम दिलीप कुमार है, मैं संपूर्ण फील्ड में काम करता था 15 फरवरी से। थोड़ा आवाज़ 2020 से और 14 अक्टूबर को मुझे तकलीफ ने छुट्टी दिया कि आप बीमार हो, तबियत खराब है, आप तो निकाला नहीं जाएगा, नौकरी पक्का रहेगा, एक हफ्ते में तबियत ठीक हो जाए पुनः वापस। ये अप्लीकेशन कहाँ दिया आपने? मैंने अप्लीकेशन श्रम विभाग में दिया। श्रम विभाग में आपने अप्लीकेशन दिया? हाँ, अप्लीकेशन दिया। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ, क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि आप फैजाबाद केस करो, यहाँ से कोई सुनवाई ना होगा। अभी तक आप कहाँ थे? हम कहे सर हमको जानकारी नहीं थी, हमको कुछ नहीं मालूम था। उसके बाद हमको जानकारी हुई तो मैंने अप्लीकेशन आपके पास लाया हूँ। फिर पुनः उन्होंने रख लिया, ठीक है आगे कार्रवाई होगी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जाइए, आप फैजाबाद जाइए, आप फैजाबाद के यहाँ से। आपका अधिकारी कह रहे हैं कि हमने ड्यूटी नहीं लिया, 8 घंटे ड्यूटी लिया, ज़्यादा काम नहीं लिया है। अटेंडेंस रजिस्टर आपका है, जो जो ड्यूटी किए हैं? हाँ, ड्यूटी किए हैं। दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं। दिखाइए, उसको दिखाइए। ये मेरा अटेंडेंस रजिस्टर, 8 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी मेरा चलता था, 12 घंटा ड्यूटी लिया है इन्होंने। कहा अभी नया नया फैक्ट्री है, फैक्ट्री चल जाए 1-2 महीने के बाद पेमेंट बढ़ जाएगा, 12 घंटे का पैसा मिलेगा। तुम्हारे अधिकारी क्या नाम है? हमारे अधिकारी का नाम है बलवंत उपाध्याय वर्ष है, मैनेजर से संपूर्ण फिट का। और उन्होंने मुझे कि 1 हफ्ते में आप स्वस्थ होकर आइए, आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और आपका वेतन भी नहीं कटेगा। वहाँ कैशियर भी बताएं, सारे लोग बताएं, सारे लोग एक जो खाना बनाते थे मनोज कुमार नाम है उसका, मनोज कुमार ने फिर उससे गाड़ी से मैनेजर साहब ने खुद ही भेजा। और 2 दिन के बाद हमको कहा गया कि आप जाइए और इलाज करा जाइए। फिर दूसरे दिन हमारे पास फ़ोन किए मैनेजर साहब, फ़ोन करने के बाद कहें कि ऐसे यहाँ आपको नहीं आना है, हमने दूसरा आदमी रख लिया। तो कहे सर मैं क्या करूँ, सुविधा को वो घूस उस मांगे थे? नहीं, घूस नहीं मांगे थे, लेकिन कहा कि फिर चालू हो जाएगा, आपको पुनः बुला लेंगे। फिर हम उन्होंने फिर 26 जनवरी की फैक्ट्री किया। मैंने अपने सारे कंबल थम्बल लाए, घनश्याम विश्वकर्मा को दिए हुए थे वो, मैं सारे कंबल लाए, चार्जर लाए, बर्तन वर्तन लाए, बनाने वाले मुझे देखा ही नहीं गया, तो मैंने मेरा सामान लेकर वापस आया। तो क्या कहा इन्होंने? इन्होंने आश्वासन दिया कि फिर आपको बुला लेंगे। हमने भी कहा कि आपका प्लान चल जाए, सेवा का मौका दीजिएगा, हम उनसे कोई कंप्लेन नहीं। कल हमने जब बाइक इनके नंबर पर फ़ोन किया जी, तो इन्होंने बताया जी, हमने उनको 60,000 रुपये पेमेंट का और 90,000 का मिला, इसके संबंध में आप क्या कहना है? मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला है। मुझे पेमेंट जो खाता पर आता था, खाता भी मेरे पास है। कितना पैसा होगा लगभग में आपका कंपनी में? मेरा पैसा है 85,532 रुपये। 86,532 जी। जो दुनिया से इनकार कर रहे हैं, ड्यूटी भी नहीं दे रहे हैं? हाँ, ड्यूटी बैठाए हुए हैं, अक्टूबर से मुझे निकाल दिया है। वो 2 दिन के बाद है, जबकि सब 1 सप्ताह की छुट्टी मैनेजर और कैशियर सब दिए थे। और भाई वहाँ से ले खाना जो बनाता था उसके द्वारा मोटरसाइकिल से हमारे घर का भेज दिए, कहीं जाओ तुमको स्वस्थ होना तबाना है। और 2 दिन के इन्होंने बात बताया कि तुमको ड्यूटी नहीं करना है, हम दूसरा आदमी रख लिया। आपको ड्यूटी से हटा दिया गया? हाँ, हटा दिया, बिना नोटिस दिए हुए, बिना जानकारी के हटा दिए। मतलब आपको रखना नहीं चाहते? हाँ, जबरदस्ती कर रहे हैं? हाँ, जबरदस्ती करें, बिल्कुल जबरदस्ती करें। ओके।